वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, सुन लेना। अभी हुआ क्या, एक न्यूज में मैंने खबर देखी, उसमें क्या हुआ है कि व्हाट्सएप पर लोग मैसेज भेज रहे हैं कि मैंने पीएम केयर्स में पैसे भेज दिए हैं और ये अकाउंट नंबर है और आप भी इस पे डाल दो। और वो जो अकाउंट नंबर है वो पीएम केयर्स फंड का नहीं है, वो जो अकाउंट नंबर है वो उनका खुद का है। तो अगर आप भी चाहते हो पीएम रिलीफ फंड में पैसे डालना तो बहुत ही सावधानी से डालना। इन दिनों लॉकडाउन में सब कुछ थम गया है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो रुकने का कोई नाम नहीं ले रही, वो है व्हाट्सएप पर फैलती हुई अफवाह। लगातार मैसेज आ रहे हैं, ये खा लो वो खा लो, सरसों का तेल नाक में डाल लो, यहाँ पर डाल लो वहाँ पर डाल लो, करेला खा लो, करेला जूस पी लो, ये खा लो वो खा लो, 50 चीज़ें बता रहे हैं। तो मैं इन अफवाह फैलाने वालों को एक बात कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारा इन सबसे जो कोरोना वायरस है वो ठीक ना हो तो भाई एक काम करो, गोबर खा लो। और गोबर तो होता है तुम्हारा ये जानवरों का, जैसे कि गाय और भैंस, अगर तुम्हारा जब भी ठीक ना हो तुम एक काम करो इंसानों का भी खा लो। नहीं मतलब पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा संसार, पूरा साइंटिस्ट, हर कोई लगा है कि कोई बीमारी का इलाज मिल जाए, लेकिन तुमने अपने घर में इलाज बना लिया कि ये पीलो वो पीलो वो खा लो। भाई ऐसी अफवाह ना फैलाओ, क्योंकि ऐसी अफवाह की वजह से ईरान के अंदर 300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई थी कि एथेनॉल पीने से जो शरीर है ना तुम्हारा, उसके अंदर से जो कीटाणु विटाणु है, जो सब कुछ है तुम्हारा, कोरोना वायरस जो है सब भाग जाएगा, तुम एथेनॉल पी लो। तो लोगों ने क्या किया, एथेनॉल पी लिया, अब 300 लोगों की मौत हो गई और 1000 लोग बीमार है केवल एथेनॉल पीने से, केवल एक अफवाह, एक झूठी अफवाह फैलने से। तो प्लीज ऐसी अफवाह मत फैलाओ, क्योंकि भारत ने भी ऐसी बहुत सी अफवाह फैल ली है। कुछ बंदों ने यह भी अफवाह फैलाई थी कि प्रधानमंत्री ने जो थाली और ताली चम्मच बजवाए थे वो बजवाए थे कोरोना को भगाने के लिए, तो कोरोना देश से भाग चुका है, डरने की कोई बात नहीं है। अरे मेरे भाई, वो कोरोना है तुम्हारे खेतों में घुसा जानवर नहीं है जो शोर करने से भाग जाएगा, या पंजाब में घुसा पाकिस्तान से आया हुआ टिड्डा नहीं है जो तुम शोर करोगे भाग जाएगा। टिड्डी दल तो छुटकारा पाने लई कई तरह दियां कोशिशां कीतियां जा रही हैं। पिंड च ए पर्वती बेन अते कमला 900 सन। एक बंदा अफवाह फैला रहा है कि दारू पीने से ठीक हो जाएगा तुम्हारा कोरोना वायरस। अरे मेरे भाई, कोरोना वायरस दारू पीने से ठीक नहीं होगा, बल्कि उल्टा वो उस आदमी को दिक्कत करेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, दारू पीने से क्या होगा, अल्कोहल से क्या होगा, आपके शरीर में जो लड़ने की क्षमता होती है बीमारियों से वो क्या कम हो जाएगी। और जिस बंदे की क्षमता जो होती है कम होती है बीमारियों से लड़ने की, अगर उसको कोरोना बाई चांस हो गया, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर उसको हो गया तो वो बंदा जीवित नहीं रह पाएगा, वो बंदा मर ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्षमता ही नहीं है लड़ने की। और तुम फैला रहे हो कि अल्कोहल पी लो, दारू पी लो। एक बंदा अफवाह फैला रहा है कि सरसों का तेल को नाक में डालने से ठीक हो जाएगा कोरोना वायरस, तो ये अफवाह बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं बोला है और ना ही WHO की रिपोर्ट ने ऐसा कुछ बोला है, तो ये सब फालतू की चीज़ है, इसमें आप ना पढ़ें। एक बंदा ये अफवाह फैला रहा है कि आपके घर में जितने बेटे हैं, जैसे कि आपके घर में 2 बेटे हैं तो 3 बेटे हैं, तो आपको उतने ही दिए जलाने हैं, ठीक है, लेकिन जो लड़की घर में है उसके लिए कोई दिए जलाना है नहीं। मतलब कैसी अफवाह है ये। एक बंदा अफवाह फैला रहा है कि जो नेट है वो बंद होने वाला है। अरे मेरे भाई, ऐसी बातें मत करो, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे माहौल में नेट बंद करे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंसान जो है घर में रहे, और अगर नेट बंद कर देंगे तो बहुत से लोग घर में बोर हो जाएंगे और वो बाहर ही निकलेंगे फिर। बल्कि गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि जो जितने भी ये प्लान है सब सस्ते किए जाए या फिर सबको फ्री कर दे, और उसने कर भी दिया है, BSNL का जो है बिल्कुल फ्री कर दिया है, BSNL में आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, और साथ ही रामायण का भी शुरुआत कर दिया, और उसके साथ साथ अभी 1 अप्रैल से शक्तिमान का भी प्रारंभ करने वाली है। मैं व्हाट्सएप चलाने वालों को सबको मैं यही बोलना चाहूँगा, कोई भी अगर मैसेज आता है तो उसको पहले देखो कि वो रियल में सच वाला मैसेज है या फिर वो कि न्यूज में ऐसा खबर आई थी या नहीं आई थी, क्योंकि हो सकता है कोई भी बंदा किसी भी अफवाह को ऐसे फैला रहा हो और आप भी उस अफवाह में शामिल हो जाओ और आप भी उसको आगे भेज दो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि अफवाहों की वजह से बहुत सी दिक्कत हो जाती है कई बार, जैसे कि ईरान में मैंने बताया कि 300 लोगों की मौत हो गई है। तो प्लीज़ ऐसा ना करो और अफवाह मत फैलाओ और अपने घर पर रहो। जय हिंद, जय भारत।